हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ की सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ और टॉपिक का नाम है लियो सोल ट्राइब क्या मैनिफेस्ट करने जा रहा है या क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स हैं जो लियोज के लिए आ रही हैं थ्रू दिस 11-11 पोर्टल्स। एज यू ऑल नो कि पोर्टल्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। इन पोर्टल्स के थ्रू आप मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अपनी लाइफ में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं, और आप कुछ करें या ना करें बट फिर भी इन पोर्टल्स का आपकी लाइफ में बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रोल रहता है। सो 11-11 पोर्टल के थ्रू आप लोग क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, और ये वीडियोस ना मुझे थोड़ा पहले बनानी थी, लाइक 1 वीक पहले बनानी थी, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि फेस्टिवल्स थे तो मैं भी काफ़ी बिजी थी, फेस्टिवल्स में भी बिजी रहे और आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा आई ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो उसमें भी बिजी रहे तो मैं नहीं बना पाई। सो सॉरी फॉर दैट, बट मुझे बनाना था क्योंकि 11-11 पोर्टल, वैसे तो हर महीने कोई ना कोई पोर्टल आता है लेकिन कुछ पोर्टल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी में से होता है एक 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल और एक होता है आपका 8-8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल। सो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इनसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और छोटी रीडिंग बनाऊंगी मैं बड़ी क्रिस्प ना कि क्या चीज़ें आप लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए, क्या आपको लेट गो करना है, किस तरह से आपकी विश फुलफिल हो सकती हैं। तो लियोज के लिए ये रीडिंग रहने वाली है और लियो सोल ट्राइब इस रीडिंग को आपने लाइक भी करना है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको लगता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो वो लियो है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो वो लियो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी नाम राशि से देखते हैं, कुछ लोग अपनी चंद्र राशि या कुछ लोग वेस्टर्न सनसाइन से, यानी कि सनसाइन से ही देखते हैं, तो आपको नहीं पता है कि कौन सी वीडियो कोई किस तरह से देखता है, तो डेफिनेटली आपने जेन्युइनली इसको शेयर करना है सो दैट सब तक ये पहुंचे। तो सबसे पहले मैं कार्ड देख लेती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, विश फुलफिलमेंट की बात की थी मैंने, और मैंने नोटिस किया है कि जो कार्ड्स ना अभी उल्टे ही पड़े होते हैं, अभी मैंने उनको फ्लिप भी नहीं किया होता और उनके ना चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आने लगते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी क्या विश फुलफिल होने वाली है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की विश ही फुलफिल होगी हर एक सोल ट्राइब की, लेकिन लियोज के लिए मेरे मुंह से ये निकला कि आपकी कोई विश कौन सी फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट वाला ही कार्ड आया है और कितने कितने मतलब ना कोर्ट कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, मेजर अरकाना, तो ऐसा कोई रुका हुआ काम, ऐसी कोई दिल की इच्छा, और ऐसी इच्छा मुझे ये लग रही है कि आपने किसी से शेयर भी नहीं की है कि मेरी ये इच्छा है, ठीक है, ऐसी कोई इच्छा मुझे लग रही है। किंग ऑफ वाओ, क्या बात है गाइस, बात क्या है, लियो सोल ड्राइव क्या बात है, मतलब चार कार्ड्स निकाले हैं, चार में से तीन तो आ गए हैं किंग ऑफ सो किंग्स आ गए हैं, सोर्ड का, वॉन्ड्स का, पेंटिकल्स का, और एक आ गया है आपका स्टार का कार्ड, मतलब मेजर अरकाना में से कोई बड़ी बड़ी चीज। मेजर अरकाना लाइफ की बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं और माइनर अरकाना रोजमर्रा की चीज़ों को दिखाते हैं, डेली लाइफ जो आपकी डेली लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बट डेली लाइफ में भी आप लोगों के लिए कार्ड्स देखिए और मेजर अरकाना में कार्ड्स देखिए। तो पहले सबसे पहले तो ना आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके हाथ जोड़ के अपने भगवान को थैंक यू बोलिए, परमपिता परमेश्वर को, कि जिन्होंने ये रीडिंग आपके लिए भेजी है, जिन्होंने मुझसे ये रीडिंग करवाई है, जिन्होंने मुझे मीडियम बनाया है, जिन्होंने इस रीडिंग को आप तक पहुंचाया है, क्योंकि आपकी डेफिनेटली कोई विश, और पोर्टल की जो एनर्जी होती है ना वो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पोर्टल के दिन ही आप फील करेंगे, 2 वीक्स प्रायर एंड 2 वीक्स आफ्टर आप उसको फील करना शुरू करते हैं। तो 11 नवंबर से 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते बाद तक आपकी लाइफ में गाइस कुछ तो ऐसा होने वाला है। अब ये विश छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे मेरी कोई छोटी विश भी पूरी हो जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और बहुत बार हम कोई बड़ी चीज़ मांगते हैं लेकिन उसका आउटकम वैसा नहीं निकलता, हम बिल्कुल खाली खाली फील करते हैं, एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं और घर लाके खड़ी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ले लिया, अच्छा आ गया, हो गया, ठीक है। और बहुत बार एक छोटा सा चॉकलेट खाने से, छोटी सी टॉफी खाने से हमें इतनी खुशी मिलती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये विश है, विश
आपकी है, आप देखिएगा और आपकी क्या विश है उसको मांगिएगा, उसको विजुअलाइज कीजिएगा और खासकर उसको 11/11 पोर्टल वाले दिन यानी कि 11th of November को आपने जब सुबह 11/11 हो या फिर रात को 11/11 हो उस टाइम पे एक मिनट के लिए ज़रूर उसके बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है कि जब वो विश आपकी फुलफिल होगी तो आपको कैसा लगेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो विश है बहुत ज़्यादा लोगों की ना रोमांटिक वे में है कि वो एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सोलमेट चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे प्यार कर रहे हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं तो उनकी ये विश फुलफिल हो सकती है। कुछ लोग हैं जो करियर में, क्योंकि लियो सोल ड्राइव का मैंने पूरे साल देखा है कि करियर पे ही फोकस किया है, करियर पे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने करियर में ज़रूर ही ज़रूर कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा बाकी सालों के मुकाबले में। 2024 में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिली होगी, सक्सेस मिली होगी, प्रोस्पेरिटी मिली होगी, और नहीं मिली है तो सवाल करना है कि क्यों नहीं मिली है और मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मिले। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। सोलमेट अगर आप चाहते हैं तो ग्रेंटेड है, आप लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप चाहते हैं, और विश का तो कोई अंत नहीं है कि किसी की विश क्या हो सकती है। कोई इंसान घर खरीदना चाहता है, कोई इंसान टू व्हीलर खरीदना चाहता है, किसी के पास टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर खरीदना चाहता है, तो कुछ ना कुछ विश, ठीक है। और इसको आप क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा कॉमेंट्स में। कॉमेंट्स में आपने इसको क्लेम करना है, कॉमेंट्स में आपने इसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये गाइस आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी है जो रीडिंग करवाती है और रीडिंग को आप तक पहुंचाती है, ठीक है। क्योंकि सब तक तो नहीं पहुंचेगी ये रीडिंग ना, इतना बड़ा लियो सोल ट्राइब है, करोड़ों लोग हैं तो सब तो नहीं देखेंगे ना, सब तो कुछ भी नहीं देखते हैं, देखते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो क्लेम नहीं करते हैं। तो क्लेम करना है कि यस ये एनर्जी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। और यहां पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि जो आपके वुड बी पार्टनर हैं, क्योंकि ये ना अब लव लाइफ का ही ले रही है सारा का सारा, जो मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं वो यही है कि जो आपके पार्टनर है ना, एक मैच्योर इंसान और एक सुलझे हुए इंसान। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एक लड़के के हिसाब से बोल रही हूँ, लड़की के हिसाब से बोल रही हूँ, आपने उसको इंटरप्रेट करके देखना है। एक सुलझा हुआ इंसान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जो मतलब ना जिसके लिए प्यार वैल्यू करता है, ऐसा नहीं है कि पैसा ही पैसा वैल्यू करता है या प्रैक्टिकल लाइफ में ही खोए हुए हैं, जो प्यार को, जो डेलिकेट फीलिंग्स होती हैं उनको समझता है, एक्सप्रेस करना जानता है अपने प्यार को, रोमांटिक है, अपने रोमांस को अच्छा एक्सप्रेशन देना जानता है, जो लव बॉम्बिंग नहीं करता है, जिसका एटीट्यूड नार्सिसिस्टिक नहीं है कि शुरू शुरू के 2 महीने बड़ा प्यार दिखाया उसके बाद फिर एकदम से इग्नोर किया या फिर ट्रोमेटाइज करना शुरू किया या फिर टॉक्सिक ट्रेट्स दिखाने शुरू हुए, ऐसा नहीं है। ये एक मैच्योर इंसान है, जिंदगी की तपिश में से जो एक होता है ना इंसान तप के बाहर आता है, कुंदन बन के बाहर आता है, उस तरह का है ये। देखो इसके हाथ में भी पेंटिकल्स हैं, यानी कि इसके हाथ में एक शफा है, एक जादू है, इसका अपना एक ऐसा एनिग्मा है कि जिसे बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वहाँ से कुछ हो जाएगा, वहाँ से सोना बन जाएगा, वहाँ बरकत आ जाएगी। बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में बरकत लेके आएगा, चाहे आपके परिवार में बरकत लेके आए, आपके पैसे में बरकत लेके आए, आपकी मतलब रिचनेस जो होती है, इमोशनल रिचनेस लेके आएगा ये आपकी लाइफ में, ये फाइनेंशियल रिचनेस तो लेके आएगा ही आएगा। ये रिश्तों में जो एक बॉन्डिंग होती है, आपके रिश्ते दूसरों के साथ भी इम्प्रूव होंगे, ये आपके इमोशंस के ना उन लेवल्स को आपको दिखाएगा, ये ऐसा मिरर होगा आपके सामने ना जो आपकी हीलिंग भी करेगा। तो एक बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत एक सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है कि आप थ्रू दिस 11/11 पोर्टल अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। और जो लोग हैं कि नहीं अभी इस तरह से हमें देखना ही नहीं है, अभी हमें काम पे फोकस करना है, तो ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये जॉब को लेके, फाइनेंस को लेके, सक्सेस को लेके, कोई कोई सक्सेस से मिलने वाली चीज़ें लाइक प्रमोशन हो गया या कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जॉब में कि मुझे इसी पोजीशन पे पहुंचना है या मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है या मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे डिपार्टमेंट शिफ्ट करना है, तो इस तरह की चीज़ें, या मेरा पर्टिकुलर इतना सैलरी है अब मुझे इतना हाइक चाहिए है तो वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा मुझे वहाँ मिलेगा, तो इस तरह की जो इच्छाएँ होती हैं या मुझे पर्टिकुलर ये गाड़ी चाहिए तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी, या मुझे एक पर्टिकुलर घर ही चाहिए या मुझे अब सेटल डाउन होना है, तो अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। बट बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं कि बहुत अच्छे चांस हैं कि यहां से आपको ना 11/11 पोर्टल, देखो जी घर खरीदना बहुत बड़ी बात है, करोड़ों की बात हो गई है घर खरीदना आजकल ना, और तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आप घर खरीद लेंगे छप्पर फाड़ पैसा आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको कोई घर पसंद आ जाएगा,
आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसे 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 करके ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, यहाँ से जोड़ तोड़ करके मैं घर खरीद लूँगा। मतलब पहले आइडियाज़ आ जाना, पहले रुझान आ जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, और टैरो की रीडिंग में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि आप ये कर लेंगे ये हो जाएगा, शोर शोर ऐसे हो जाएगा। हाँ कोई रास्ता खुलेगा, कोई बात बनेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ यार ये विश जो है अब फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप लोग बहुत चिंतित हैं कि जो लव मैरिज है उसमें घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डेफिनेटली मानेंगे, और 11-11 के आसपास उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने परमपिता परमेश्वर पे पूरा भरोसा करके उन पे छोड़ के कि ठीक है मैं इसको प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ये मैं अपने पेरेंट्स को बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और जो भी आउटकम होगा मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी। मतलब हमें प्रेजुडिस नहीं होना है कि वहाँ से येस ही आएगा, और जब हम प्रेजुडिस नहीं होते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तभी अनएक्सपेक्टेड येस आती है हमारी लाइफ में। और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली डेफिनेटली लियो सोल ड्राइव ने पूरा 2024 अपने करियर पे बहुत फोकस किया है, बहुत करियर ओरिएंटेड रहे हैं, बहुत कुछ गेन भी किया है, ठीक है। अब वो बहुत कुछ का क्राइटेरिया सबका अलग होता है, हर किसी ने करोड़ों रुपए गेन नहीं किए हैं, हर किसी का प्रमोशन नहीं हो गया, हर किसी को सब कुछ नहीं मिल गया, लेकिन बहुत कुछ मिला है। अगर कुछ मिला है तो वो कॉन्फिडेंस मिला है, अगर कुछ मिला है हटा है तो वो सेल्फ डाउट हटा है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाना कि यस आई कैन डू दिस। सो ये सबसे बड़ी, जिसे बोलते हैं ना कि एक उपाधि है, सबसे बड़ा अर्जन है एक इंसान का कि मैंने ये अर्जित कर लिया है। क्योंकि मोस्टली हम जो है ना इसीलिए लाइफ में हारते चले जाते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहना है रहता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका 11-11 के आसपास और ज़्यादा बूस्ट होगा। अब कॉन्फिडेंस का बूस्ट होता है जब आप कुछ बोलते हैं ना कि करियर में झंडे गाड़ लिए या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमने कुछ अचीव कर लिया, तो 11-11 पोर्टल में आप ऐसा कुछ तो अचीव करेंगे। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये वर्क प्लेस पे है, आपके ऑफिस में है, आपकी कंपनी में कुछ तो ऐसा करेंगे कि आप लीड करेंगे, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। घर में भी मुझे लग रहा है कि आपसे पूछ के चीज़ें होंगी, आप एक ऐसी पोजिशन पर अपने आप को लेके आ गए हैं लियोज धीरे धीरे। और आपकी जर्नी शुरू हुई थी 2024 के, जब से मैं कर रही हूँ आपकी रीडिंग्स, तो मैंने देखा है कि आपने ना एक एटीट्यूड होता है इंसान का कि मुड़ के नहीं देखना है, पलट के नहीं देखना है, जो हुआ सो हुआ, आगे ही बढ़ते जाना। अब ये देखो इसके हाथ में मशाल है और पीछे लायन दिखाया है, शेर दिखाया है, यानी कि एक एटीट्यूड दिखाया है, एक रहनुमा आप बनेंगे, आप फॉलोअर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब लियोज की ही रीडिंग हो रही है और पीछे शेर ही दिखाया है और लियोज वाला ही अनिग्मा आया है यहाँ पे, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप फॉलोअर बन सकते हैं? आप फॉलो कर ही नहीं सकते। आपका अनिग्मा ऐसा है कि अगर आप कभी सोचेंगे बिना कि मैं फॉलो कर लूँ किसी को, पीछे खड़ा हो जाऊँ, तो आपको खींच के आगे कर देगी ये सृष्टि, ये कायनात, यही होते हैं लियोज की, भैया तू आगे लग, ठीक है, हम तेरे पीछे लगेंगे। तो आप मतलब गाइड करेंगे, किसी गाइड की फॉर्म में रहेंगे, टीम को लीड करेंगे, हेड करेंगे, चाहे छोटी टीम को लीड करें, चार लोगों की टीम को लीड करें, अपने घर में चार लोग हैं वो आपके पीछे लगे, चाहे इतना छोटा सा ही काम हो बट होगा, और चार लोग आपके पीछे लगते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही हैं, आपको हेड मानते हैं, आपको बेतहाशा खुशी मिलती है इस चीज़ से। जरूरी नहीं है कि 400,000 लोग आपके पीछे लगे, चार लोग भी आपसे पूछ के कोई काम करते हैं ना, आपको मानते हैं कि आपको ज़्यादा पता है, आपके पीछे लगने को तैयार हैं, तो आपको बहुत बहुत बेतहाशा खुशी मिलती है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यूनेस। अब जितने भी किंग्स हैं वो न्यूनेस लेके आए हैं, न्यू डिसीजंस लेके आए हैं, न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं लाइफ में, हर जगह पे, लव लाइफ में भी है वो, करियर में भी है और सोशल लाइफ में भी है। अब आप कहेंगे ये चीज़ क्या है, ये सोशल लाइफ है, सोशली आप लोगों से कैसे मिलते हैं जुलते हैं, कितना लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देते हैं, तो ये सोर्ड से पता चलता है। और आप बहुत डिफरेंट वे में सोचेंगे, नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे, आइडियाज़ पे आप काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और कोई भी चीज़ गाइज कभी होती है तो एक आइडिया के रूप में होती है, जैसे मेरे मन में ये था कि मैं एक चैनल बनाऊँ यूट्यूब पर, तो वो काफ़ी साल तक एक आइडिया ही रहा ना, और अगर वो आइडिया नहीं होता कभी, ठीक है, या मैंने उस पर काम नहीं किया होता, दो ही चीज़ें होती ना, या तो मैंने मेरे मन में वो आइडिया ही ना आता, ठीक है, या मैंने उस पर काम ना किया होता, तो क्या आज हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते, क्या आप ये वीडियो देख रहे होते? नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले एक आइडिया आना, तो आपको आइडियाज़ आएंगे, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आएंगे, और उसके बाद आप उन पर काम करेंगे।
और यहाँ पे मैं गाइडेंसेस ले रही हूँ ओशो टैरो जेन से। तो यहाँ पे है राइपनेस की एनर्जी है और फिर आइसोलेशन की एनर्जी भी आई है। तो ये पुरानी एनर्जी है, मुझे पता है वर्कोहोलिक हो जाना इतना आसान नहीं होता है। पूरा साल आप लोगों ने अपने काम पे ध्यान दिया है क्योंकि कुछ और था भी नहीं ध्यान देने के लिए। आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हुए थे, लोगों ने आपको आपकी औकात दिखाई थी, लोगों ने आपको आपकी हैसियत को लेकर ताने मारे थे, आपने उसको प्रूव किया है पूरे साल। बहुत खून के आंसू रोए हैं आप लोगों ने लेकिन छुपके, और अब इट इज़ टाइम, ये टाइम आ गया है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म होनी चाहिए। अब आइसोलेशन में नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी के साथ, मैच्योरिटी की एनर्जी के साथ सोल ट्राइब 11-11 में ढेर सारी चीज़ें अपने लिए मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ मून से हम गाइडेंसेस लेंगे, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन है। बहुत सारी चीज़ मैंने बोला है ना कि अगर आप चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना अपने लवर को, पार्टनर को, अपनी फैमिली से या सोसाइटी से, तो दिस इज़ द टाइम, एक्शन लीजिए। कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए, दिस इज़ द टाइम, बिलीव इन इम्पॉसिबल। और लियो सोल ट्राइब को कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो वो होते हैं ना लोग कि पत्थर का सीना चीर के वहाँ से दूध की नदियाँ बहा दी, भाई ये लियो उसके लिए ही बोला गया है, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना हो ना तो फिर लियोज को ही तो आगे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन, एंड गाइस दिस इज़ माई आई थिंक फोर्थ वीडियो एंड ये लगातार आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। और क्योंकि हम पोर्टल की रीडिंग कर रहे हैं, 11-11 पोर्टल की रीडिंग कर रहे हैं, तो पोर्टल तो वैसे ही एनर्जाइज्ड चैनल्स होते हैं जो टाइम और स्पेस में कहीं भी खुल जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो ये जो है ना, इसके लिए आप देखिए, आपको हो सकता है इस तरह के ना कुछ नंबर्स दिखते हैं वो, लाइक 555, क्योंकि जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंटेंसिफाई हुई थी तो मुझे सबसे पहले 555 दिखना शुरू हुआ था। तो हो सकता है आपको 555, 444, 333, आप जब भी मोबाइल खोलते हो 222 या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे इस तरह के नंबर्स दिखते हो, तो वो भी एक साइन होता है। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, तितलियाँ दिख सकती हैं, मोथ्स दिख सकते हैं, कुछ इस तरह के रेनबोज या कलर्स दिख सकते हैं, एकदम से ना फ्लिकर हो सकते हैं आपकी आंखों के सामने जो ना होते हों। या हो सकता है आपके लव्ड वंस जो कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपके नाना नानी दादा दादी, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको सपने में आके, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल गार्जियंस आपको सपनों में आके कुछ ना कुछ बताएं, तो उन पे ध्यान दीजिएगा। लुक फॉर अ साइन है, ठीक है। सिंबॉलिक लैंग्वेज में बहुत बार कुछ बातें की जाती हैं, और ट्रस्ट रखिए प्रोसेस को, आप लोगों ने ट्रस्ट करना है। और मैं आखिरी दो चीज़ें ले रही हूँ यहाँ पे भगवान शिवा से, तो त्रिशूल आया है तो पावर का मिसयूज नहीं करना है, और ये प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए सोल ड्राइव, इसको याद रखिएगा कि पावर क्रेविंग होती है आपको, ठीक है। अटेंशन सीकर हैं आप लोग, आपको अटेंशन चाहिए, आपको पावर चाहिए, और पावर आते ही सबसे पहले क्या होता है, हम उसका मिसयूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है और पावर का मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला यहाँ पे जिसे बोलते छप्पर फाड़ के आपको दे रहा है। और ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा हैं आप लोगों के साथ, गुड फॉर्चून है ऑलवेज ऑलवेज, जब भी कहीं फंस जाएं, थक जाएं, परेशान हो जाएं, भगवान शिव की शरण में आप लोगों ने जाना है। तो लियो सोल ट्राइब, ये थी 11-11 में व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो इस रिगार्डिंग ये छोटी सी क्रिस्प सी रीडिंग थी, कैसी लगी लाइक कीजिएगा इसको, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो क्लेम करता है उसी को मिलता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।